कमजोर पाचन और शांत दिमाग के लिए आप इस दो अभ्यासों को करें। आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और सुबह तरोताजा होके उठेंगे। आपका पाचन भी ठीक रहेगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। दुश्चिंता जैसी समस्याएं दूर रहेंगी। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है वे क्या करें, इस प्रकार लेट जाएं, दोनों लेग को बेंड रखें और पेट को उठाते हुए अपनी कमर पर सपोर्ट लगाएं, दोनों हाथों से सपोर्ट दें और होल्ड रखें, यथासंभव होल्ड रखें और श्वास छोड़ते हुए फिर डाउन जाएं। 10 सेकंड तक होल्ड रखें उठाकर, और फिर जब ना रोका जाए तब श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करें। इस प्रकार 10 से 20 बार इसका अभ्यास करें और फिर रिलैक्स। अब जिन व्यक्तियों का पाचन कमजोर है उनको क्या करना है, इस प्रकार बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें, पूरी श्वास को बाहर छोड़ें और पेट को अंदर खींच के रोक लें, उड्यान बंद लगाएं। इस प्रकार पहले श्वास को मुंह से छोड़ा कंप्लीट एक्सहेल और बाहर ही रोक लिया और नाभि को अंदर खींचा। इस प्रकार जब ना रोकी जाए श्वास, पेट को ढीला छोड़े, श्वास को भीतर भरे। तो जब आप इस अभ्यास को कर लेते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, को शांत करने के लिए क्या करना है, आपने अपने सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं और सीधे नासिका छिद्र को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरे बाएं नासिका छिद्र से और भीतर रोक लें, यथासंभव भीतर ही रोकें और फिर सीधे नासिका छिद्र से बाहर छोड़ दें, फिर सीधे नासिका छिद्र से भरें, भीतर रोकें, यथासंभव भीतर रोकने के बाद बाएं नासिका छिद्र से बाहर छोड़। जब आप सीधे से लेते हैं, होल्ड करते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, बाएं से लेते हैं, होल्ड करते हैं और सीधे से छोड़ते हैं, तो ये एक चक्र कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपको 10 से 12 राउंड सुबह और 10 से 12 राउंड शाम को करने हैं। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका पाचन भी ठीक हो जाएगा और आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।